वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मानविंद सिंह और ये है ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के चैप्टर वन का आखिरी लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, मतलब द्विआधारी संक्रियाएं क्या हैं और उसके कुछ नियम क्या हैं। क्रम विनिमेय सहचर दो ही इंपॉर्टेंट हैं और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिनमें से ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया है और वो इसी साल यानी 2020 में ही आपके एग्जाम में आया था 4 नंबर का। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप सबसे पहले लिख देंगे दिया है, आपको क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस टू बी दिया है, तो यहाँ लिख दो ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस टू बी, ये चीज़ दी हुई है, बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इसे प्रूव करना है क्रम विनिमेय नहीं है, फिर प्रूव करना है सहचर्य नहीं है। तो क्रम विनिमेय प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, देखना है इसे। क्रम विनिमेय का फार्मूला क्या है, क्रम विनिमेय क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो। अब देखते हैं कैसे इसे करना है। तो सबसे पहले फार्मूला लिख देंगे ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये आपका फार्मूला है फॉर ऑल ए और बी आपके कहाँ हैं। देखो सेट हमें दिया हुआ है किसका, रियल नंबर का, तो हम यहाँ लिख देंगे चुपचाप आर, रियल नंबर का सेट है मतलब सारे नंबर हो जाएंगे यहाँ एप्लीकेबल। तो हम सबसे पहले यहाँ 2 नंबर ले लेते हैं, माना ए बराबर क्या ले लें 5 ले लें, बी बराबर क्या ले लेते हैं चलो 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, छोटी संख्या लेंगे आसान रहेगा हल करने में। तो सबसे पहले हम इसका LHS सॉल्व करेंगे और RHS सॉल्व करेंगे, अगर दोनों इक्वल आ गए मतलब हमारा सही है। तो LHS बराबर कितना आएगा, नहीं तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ए स्टार बी क्या लिख सकते हैं ए प्लस टू बी, और इसको लिख देंगे बी प्लस टू ए। इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, देखो ए स्टार बी ये बोल रहा है कि अगर दो चीज़ों के बीच संक्रिया लगाएंगे तो पहला धन 2 × दूसरा, तो यहाँ पर ए और बी के बीच लग रही थी मतलब ए प्लस टू इंटू बी, सेम इसी तरह बी और ए के बीच लग रही है, दोनों सेम नहीं दोनों अलग अलग बातें, तो बी इधर लिख दिया प्लस किया हमने फिर 2 × a किया, पहला धन 2 × दूसरा, इतना ध्यान देना है। ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 5 है, धन 2 × 3 लिया है तुमने, और बी बी की वैल्यू कितनी है 3 × 2 × 5 लिया है, तो 5 × 3 = 6 = 5 = 11 बराबर 5 × 2 = 10 = 13, क्या ये बराबर है, नहीं। तो हमें क्या बोल देंगे, चूंकि 11 बराबर नहीं है 13 इसलिए ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, आता है स्टार हमारा क्रम विनिमेय नहीं है, सीधे दिख रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है वो तो पता ही है, तो ये क्रम विनिमेय भी आपका नहीं होगा। अगर इसको ये फॉलो करता तो ये क्रम विनिमेय होता, फॉलो नहीं कर रहा है तो क्रम विनिमेय नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये सहचर है कि नहीं, सहचर का फार्मूला क्या होता है हमारा, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ए स्टार बी और स्टार सी इक्वल टू होता है ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पर इसमें ब्रैकेट होता है, फॉर ऑल ए बी सी हमारे कहाँ से होते हैं, जो सेट हमें बोला जाएगा रियल नंबर का सेट है उसी को ले लेते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, ए बी सी कुछ नंबर्स मान लेने हैं और उन्हें इक्वल टू प्रूव कर देना है। तो इसको करने के कई तरीके हैं, या तो आप LHS RHS लेके अलग अलग लगा लो, या तो इकट्ठा लगा दो, इकट्ठा लगा दोगे तो जल्दी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कुछ नंबर्स ले लो, ए इक्वल टू कितना ले लो 2 ले लो, बी इक्वल टू 1 ले लो, सी इक्वल टू, यहाँ पर आप नंबर अपनी मर्जी के हिसाब से लेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, सी इक्वल टू मान लो 4 है, तो यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू चुपचाप इसमें रख देंगे, या तो आप पहले सॉल्व कर डालो या तो पहले वैल्यू रख दो। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो पहले वैल्यू रख देते हैं फिर देखते हैं भाई क्या करना है हमें। तो यहाँ 2 * 1 * 4 इक्वल टू आएगा 2 * 1 * 4। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं और उनके बीच कोई ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन जब हो 2 एलिमेंट्स के बीच तो हमें ए प्लस टू भी कर देना है, तो मतलब पहला प्लस 2 × दूसरा, तो यहाँ पहला क्या है आपका 2 है, यहाँ एरो कर देना 2 + 2 × 1 होगा, और अभी तो * 4 आपका बकाया ही है। यहाँ पर क्या होगा 2 * पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहला प्लस 2 × दूसरा यानी 4, इसको ये कर दिया, बस इस नियम का पालन करना है। अब ये देखो ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 2 = 4 * 4 बराबर 2 * 4 × 8 = 9, ये चीज़ आ गई हमारी। अब हमें देखना है क्या ये बराबर आता है,
तब फिर से दो नंबर्स आ गए। अब इन दोनों के बीच अगर हम कोई ऑपरेशन लगाएं फिर वही पहला धन दोगुने दूसरा। ये इस साल एमपी बोर्ड में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? चार धन चार दो गुणे चार करेंगे बराबर, इसमें क्या होगा? दो धन दो गुणे नौ। क्या मस्त हिंदी है। अब देखो, चार दुनिया आठ चार बारह बराबर, नौ दुनिया अठारह उन्नीस बीस। क्या ये चीज़ बराबर है? नहीं, ये चीज़ बराबर नहीं है। इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इसलिए हमारा क्या हुआ कि यही तो प्रूव करना था कि क्रम भी नहीं और सहचर भी नहीं, दोनों में ये बराबर नहीं आया, दोनों में अलग अलग वैल्यू आ गई, तो ये हमारा प्रूव हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चार नंबर का आया था। और इस क्वेश्चन से हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ जरूर आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो शुरू से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, दो क्वेश्चन है इसमें, एक और ये दो एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें हमें क्या बोल रहा है, दो क्वेश्चन है और दोनों में बोला है कि चेक करना है कौन सा क्रम विनिमेय है और कौन सा सहचर है। तो कैसे करना है? वैसे ही जैसे अभी किया था। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं, और ये हमें दिख रहा है कि ए और बी दोनों रियल नंबर है, मतलब हम जो मानेंगे कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है यानी ए स्टार बी इक्वल टू वन। तो क्रम विनिमेय हम चेक करते हैं सबसे पहले, कौन सा क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय चेक करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, फॉर ऑल ए और बी हमारे कहाँ के होंगे। देखो रियल नंबर का सेट है तो हम चुपचाप रियल नंबर लिख देंगे। अब यहाँ करना क्या, चुपचाप देखो, तुम्हें कुछ नंबर मानने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है। अगर हम किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच, दो रियल नंबर्स के बीच कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है, मतलब आइडेंटिटी आ रही है। मतलब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई भी दो नंबर होंगे उनके बीच जो ऑपरेशन लगेगा उसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर, वन आ रहा है। तो मतलब ए और बी के बीच लगेगा तो भी वन आएगा, और बी और ए के बीच कोई भी नंबर हो तो भी क्या आएगा, वन ही आएगा। तो वन इक्वल टू वन, ये क्रम विनिमेय है। मतलब जब प्रूव हो गया तो बस हम यहाँ क्या लिख देंगे, आता है कौन स्टार हमारा स्टार क्रम विनिमेय है, स्टार क्रम विनिमेय है। अब हम क्या चेक करते हैं, सहचर्य के लिए। तो सहचर्य के लिए क्या करेंगे, हम देखते हैं क्या कैसा है हमारा। तो सहचर्य का फार्मूला क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, फॉर ऑल ए बी सी हमारे क्या हैं, रियल नंबर है। ठीक, तो फॉर ऑल होता है ये, उल्टा ये होता है, मैंने रिलेशन में बता दिया था। तो अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले हम कोष्टक लगाते हैं। कोष्टक में देखेंगे ध्यान से कि ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है हमारा, दोनों ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स हैं और ये यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर ये लिख देना, फॉर ऑल ए और बी क्या है, रियल नंबर। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों को बता दिया गया है कि कोई भी दो नंबर लोगे उनके बीच ऑपरेशन लगाओगे तो उसका आइडेंटिटी ही आ जाता है। यहाँ दो नंबर्स ये हैं, यहाँ दो नंबर्स ये हैं, दोनों में आंसर कितना आ जाएगा, वन वन आ जाएगा। कितना आ गया, वन स्टार सी इक्वल टू ए स्टार वन। फिर से देखो दोनों रियल नंबर्स हैं, यहाँ पर वन तो रियल है ही और यहाँ सी और ए भी बताया जा रहा है कि ये क्या है, रियल नंबर है। तो हम समझ रहे हैं कि दो रियल नंबर्स के बीच अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे इस क्वेश्चन में तो उसका क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर भी अब कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये समझना कि दो नंबर्स हैं उनके बीच ऑपरेशन लग रहा है और इस क्वेश्चन के लिए ऑपरेशन का रिजल्ट वन है, यहाँ पर भी वन है, दो नंबर्स हैं रियल नंबर्स, स्टार में हमने इसको क्या कर दिया, वन। आता ये भी बराबर है तो आता है स्टार सहचर्य है, आता है स्टार सहचर्य है। तो ये वाले क्वेश्चन में हमारा चेक करना था कि क्रम विनिमेय है, सहचर्य है, दोनों में से क्या है कि दोनों है। तो यहाँ पर भैया ये दोनों आ रहे हैं, तो क्रम विनिमेय भी है और सहचर्य भी है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन में लेता हूँ क्योंकि एग्जाम में वही आते हैं। तो सबसे पहले क्रम विनिमेय के लिए देखते हैं, दिया क्या है हमारा, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू फालतू ठिकाना। तो अब इसमें क्या करने है, हमें ए और बी दिया हुआ है तो चुपचाप हम क्या करेंगे, देखो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ही करना है। चाहे तो तुम नंबर्स मान के कर दो, चाहे तुम ऐसे ही कर दो, दोनों तरह कर सकते हो। नंबर सिस्टम क्या होता है, सॉलिड होता है, उससे पता चल जाता है हाँ आंसर आ गया। इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैं दोनों तरह करके यही वाला तरीका करते हैं। चलो तो ए स्टार बी अगर हम करते हैं कितना आता है हमारा,
इसके कहने का मतलब ये है, अगर आप दो रियल नंबर्स ले रहे हो और उनके बीच कोई ऑपरेशन करते हो तो उसका रिजल्ट कैसा आता है, a प्लस बी अपॉन टू, मतलब दोनों का औसत आ रहा है, एवरेज आ रहा है दोनों का। तो a प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू, इसमें करोगे क्या आ जाएगा, b प्लस a अपॉन टू। दोनों बराबर नहीं है, बराबर है यार, एक बार इसको सीधा करके लिख दो, a प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू a प्लस बी अपॉन टू आ गया। अतः हमारा क्या लिख देंगे, अतः स्टार क्रम विनिमेय लिख लेना। तो ये एक तरीका हो गया आप डायरेक्ट कर रहे हो। अब अगर आप कोई नंबर्स लेके करो तो कैसे करोगे, ये जो हमने किया वो सॉलिड तरीका। अब अगर दूसरी तरह करना है, हमें मान के करना है, माना a बराबर क्या हमने ले लिया, रियल नंबर है 1 ले लिया, b बराबर क्या ले लिया, मान लो 5 ले लिया, ठीक, कुछ भी ले लो तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पर जब इन दोनों के बीच ऑपरेशन कराओगे तो क्या आ जाएगा, सीधे देखो दोनों को जोड़ के दो का भाग देना है, तो मतलब 1 + 5/2 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, उल्टा 5 + 1/2 कितना आएगा, 6/2 इक्वल टू 6/2 3 = 3 आ रहा है। तो मतलब ये तुम्हारा क्रम विनिमेय है क्योंकि बराबर आ रहा है। साक्षात का फार्मूला क्या होता है आपका, a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c, जहाँ पर आपके a b c क्या हैं, हमारे रियल नंबर हैं आपके हमारे दोनों के। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसको और इसको प्रूव करके चेक करना है। तो क्रम विनिमेय तो था, अब देखते हैं ये है कि नहीं। तो जैसे क्रम विनिमेय को हमने दो तरीके से किया, ध्यान रहे पेपर में दोनों नहीं कर लेना, दोनों में से एक करना है। अगर आपको नंबर वाला सिस्टम अच्छा लगा तो नंबर वाले से कर लो, या तो डायरेक्ट हो ही रहा है या तो डायरेक्ट ही कर लो, क्या दिक्कत है, दोनों तरह कर सकते हो। इसको भी आप दोनों तरह कर सकते हो, तो किस तरह किया जाए, इसी तरह कर लेते हैं, क्या दिक्कत, नंबर में भी कर लोगे वही चीज़ है, इस तरह भी कर लोगे वही चीज़। तो सबसे पहले देख रहे हैं ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, इनका एवरेज आएगा, मतलब a प्लस बी अपॉन टू, फिर स्टार लगेगा आपका c आएगा, यहाँ पर क्या होगा a स्टार, अब इन दोनों के बीच ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी अपॉन टू, समझ रहे हो, उनके नंबर्स को ऐड करके टू का डिवाइड कर देना, बस ये था हमारा ऑपरेशन। इस फॉर्मूले को फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो इस पूरे को हम एक चीज़ मान रहे हैं, ये तो एक चीज़ है ही, यहाँ पर ये एक चीज़ है ही, इस पूरे को एक मानो, ये अलग अलग नहीं, इसे एक मानो, ठीक। तो दोनों के बीच ऑपरेशन लगाएंगे तो दोनों को ऐड करके टू का डिवाइड कर देना है। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन टू प्लस सी, ध्यान दें इसको और इसको ऐड किया, अपॉन टू भाग नीचे गया, यहाँ पर एक जगह में यहाँ क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी अपॉन टू, बी की जगह में क्या लिखा हुआ है, c, और अपॉन टू तो है ही पूरा, यहाँ पर क्या होगा, a प्लस स्टार को ये एकदम बदल दिया, इसका क्या आएगा, b प्लस सी अपॉन टू, पूरे का अपॉन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो दोनों को अलग अलग, अरे मैंने ये तो लगाएंगे, अब अलग अलग हम देखते हैं कि क्या आता है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a, ना क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस 2c अपॉन में क्या आ जाएगा, 4, एलसीएम लेना तो आता है इसका गुणा। देखो जब बटे में कोई चीज़ आ जाए तो उसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसका हर जगह गुणा कर दो, उसके अलावा सभी में गुणा कर दो। देखो a प्लस बी में अपॉन 2 है तो ये अपॉन 2 दिक्कत कर रहा है ना, तो इसका इसमें भी गुणा कर दो, इसमें भी गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसका गुणा हमने सी में कर दिया तो 2c आ गया, इसी का गुणा हमने 2 में कर दिया 4 आ गया, ये गायब हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखो ये अपॉन में 2 है, हाँ उसमें मत कर देना, अब a और b के नीचे है ना तो उसमें नहीं करना है, उसके अलावा करना है। यहाँ पर देखो 2 नीचे आ रहा है तो इसका इसमें भी गुणा कर दो, तो 2a + b + c बटे 2 × 4 आ गया। तो उसको गायब करने की यही टेक्निक होती है, सरल होती है। तो यहाँ देखो क्या ये बराबर ये है, असंभव, यहाँ पर a एक है, यहाँ 2 है, यहाँ c 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा बराबर नहीं आ रहा, आता है यहाँ पर जो हमारी संक्रिया स्टार है ये सहचर्य नहीं है, ये सहचर्य नहीं है, ये सहचर्य नहीं है, क्रम विनिमेय थी, सहचर्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो सामने दिख रहा है। अब एक मेथड तो आपके ये सॉलिड है, अगर आप चाहें तो नंबर्स को लेके भी कर सकते हैं, आप मान सकते हैं ए बी सी हमारे 2-3 नंबर ले लो जो मर्जी, बस रियल होना चाहिए, रियल सारे हैं आयोटा को छोड़ के, तो बस यहाँ रख दो सबको, वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी और लास्ट में बराबर नहीं आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो एक ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, हमें सिद्ध करना है कि ये क्रम विनिमेय भी है और सहचर भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे करना है। तो ए
कॉमा बी, स्टार लगा हुआ है सी कॉमा डी, और हाँ ये दोनों आपके हैं क्या, ए बी सी डी, ये आपके क्या हैं, सब नेचुरल नंबर हैं। इधर क्या कर दो, ये सब आपके नेचुरल नंबर हैं, इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बंडल हमें ये दिख रहा, एक बंडल हमें ये दिख रहा, तो यहाँ कर क्या रहा है, ये सेम क्वेश्चन आपका रिलेशन में था, सेम क्वेश्चन। तो ए और सी आपके क्या हो रहे हैं, इधर प्लस हो रहे हैं, फिर कॉमा है, बी और डी आपके ऐड हो रहे हैं ना, ए और सी, बी और डी। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, क्रम विनिमेय लगाएंगे। तो क्रम विनिमेय करने के लिए मैंने बताया फार्मूला क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब हम फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला देखो, ए स्टार बी लिखते हैं, स्टार बी, स्टार स्टार की जगह समझो ए की वैल्यू, यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये पूरा बंडल आपका क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये बस इतना समझ गए तो समझो सवाल खत्म। ए पूरी ये वैल्यू कहलाएगी जो पूरी ब्रैकेट में, और बी क्या कहलाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। ए क्या कहलाएगा, इधर वाला पूरा स्टार के, और बी क्या कहलाएगा, स्टार के उधर वाला। तो हमारा फार्मूला क्या होता है क्रम विनिमेय नियम का, क्रम विनिमेय का फार्मूला क्या है, बहुत बार लिख चुके हैं, स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अब यहाँ से दोनों क्या होनी चाहिए हमारे, ए और बी, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। तो देखो ए और बी यहाँ पर तो बंडल है, तो यहाँ पर हम चुपचाप लिख देंगे, यहाँ जहाँ पर जो है वहाँ वो लिख देंगे। तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए कॉमा बी स्टार, बी की जगह क्या लिखा हुआ है, सी कॉमा डी। अब इसी को जस्ट अपोजिट कर देना, तो अपोजिट करते वक्त एक बात का ध्यान देना है कि इनको अंदर से अपोजिट नहीं करना है कि ए बी लिखा है तो बी ए कर दो, नहीं, इस बंडल को इधर से इधर कर देना, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो। देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी, इसे अंदर से मत बदलना, क्यों, क्योंकि ये सही क्रम में लिखा हुआ है, और अगर एक ही होता ए बी बस होता तब हम बदलते, यहाँ ये बंडल में है तो ब्रैकेट में बदलना नहीं है, इतना ही बदलने में गड़बड़ हो सकता है, लिखने का तरीका गलत है, आंसर थोड़ा सही ही रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें क्या करना है, अगर दो चीज़ें ऐसे दी होंगी तो हमें क्या करना है, उनके ए, 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 एक तरफ वालों को ऐड कर देना और आगे वालों को ऐड कर देना। चुपचाप देखो इसको और इसको ऐड करना है, मतलब पहले पहले को ऐड करके लिख दो, दूसरे दूसरे को ऐड करके लिख दो। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ए पहला है इसका सी पहला है, तो ए प्लस सी, और दूसरे दूसरे को ऐड करो मतलब बी प्लस डी। सेम चीज़ उधर करेंगे, पहले पहले को ऐड कर दो मतलब सी है इधर प्लस इधर क्या है ए कॉमा, इधर डी है प्लस इधर क्या है बी है, तो पहले पहले दोनों के ऐड हो गए। अब क्या है, सेम ही तो दिख रहा है, ए प्लस सी इधर है सी प्लस ए, बस थोड़ा दूसरी तरह लिखा हुआ, तो क्या लिख देंगे, ए प्लस सी बी प्लस डी इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी, सेम चीज़ लिखी हुई है, बस थोड़ा इधर उधर, प्लस में इधर उधर चलता है, माइनस में नहीं चलता। तो अतः ये बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः स्टार क्रम विनिमेय, यहाँ पर क्रम विनिमेय है। अब बोला जा रहा है कि इसे सहचर भी प्रूव करो, तो क्रम विनिमेय तो प्रूव हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से करिए, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इसी प्रकार आपका एक क्वेश्चन उसमें भी था, रिलेशन में भी था, और मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सहचर करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिख लो ताकि थोड़ा टाइप दिखाई दे, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। वीडियो में भी बने रहें, अभी आगे थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है। तो ए बी और सी आपके क्या हैं, यहाँ पर नेचुरल नंबर हैं। तो हम देखते हैं कि दो नंबर्स के बीच ऑपरेशन लगाना है, तो यहाँ दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो हमारे सी के लिए तो है ही नहीं, तो हम आगे भी ले लेते कुछ ए बी सी डी और ई एफ ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ हमारा क्या है, इधर लिख देता हूँ मैं थोड़ा समझने के लिए, यहाँ ए हमारा क्या है ए कॉमा बी, बी क्या है सी कॉमा डी, और सी क्या है हमारा ए बी सी डी ई एफ। ठीक, हमें एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा यहाँ प्रूव करने के लिए। तो यहाँ हमारे ए बी सी हैं, तो चुपचाप यहाँ पर रखते हैं चलो। तो ए स्टार बी मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है और ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, इतना करेंगे, और इस पूरे को स्टार क्या करेंगे हम, लास्ट वाली वैल्यू यानी ई कॉमा एफ आएगा। समझ में आया, ए की वैल्यू ए कॉमा बी स्टार स्टार ही है, बी की वैल्यू सी कॉमा डी स्टार स्टार ही है, सी की वैल्यू ई कॉमा एफ रख दी गई है। अब इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए कॉमा बी स्टार लगाएंगे,
ये ब्रैकेट को हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं समझने के लिए। यहाँ पर देखो बी की वैल्यू क्या थी हमारी, बी की वैल्यू यहाँ से देख लो सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ, ऐसा हमारा बनेगा, ये बनेगा। अब हमें इसे क्या करना है, दो नंबर्स वाला ऑपरेशन, मतलब पहले पहले टर्म को ऐड कर देना और दूसरे दूसरे टर्म को ऐड कर देना। तो चुपचाप देखो कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर करेंगे तो a प्लस सी, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है आपका b प्लस डी, ठीक स्टार करो e कॉमा एफ आएगा इक्वल टू a कॉमा b। यहाँ भी सेम चीज़ करनी पड़ेगी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, पहले पहले टर्म को ऐड करना, ये एक प्रकार का आपका वो दे दिया गया फंक्शन, इसी को इसमें रख देना है, ठीक है। तो बस इसको इसमें रख देंगे, पहला पहला ऐड कर दो, तो c प्लस ई करेंगे c प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ, ऐसा हो गई होगा ना। तो ये पहला पहला हमने ऐड कर दिया और दूसरा दूसरा ऐड कर दिया, इसी प्रकार कैसे, यहाँ पर सी था यहाँ पर ई था, पहला पहला ऐड हो गया, डी था और एफ था, दूसरा दूसरा ऐड हो गया। अब हम इसके आगे देखते हैं, तो ये हमें एक पूरी वैल्यू लगनी है और ये एक वैल्यू, इसी तरह इस पूरे को एक मान के करना है। तो इसके अगर हम पहले टर्म को देखें तो पहला टर्म इसका ए प्लस सी कहलाएगा और इसका पहला टर्म क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा। तो कहने का मतलब पहले पहले टर्म को ऐड करना है, जैसे यहाँ पर है पहला पहला ए और सी ऐड करना है, सेम चीज़ यहाँ करेंगे थोड़ा ध्यान से। तो जब ऐड करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, मैं ये ब्रैकेट चेंज कर दिया, ए प्लस सी प्लस ई क्या आएगा, ए प्लस सी प्लस करके हमें लिख देना है ई, कॉमा मारेंगे और सेकंड सेकंड टर्म को, सेकंड कौन सा, एक ये वाला है और एक ये वाला, तो मतलब बी प्लस डी इधर है ही, प्लस कर देना है आपको एफ, कर दिया इक्वल्स टू हमें करना है। फिर अब देखो इसके पहले पहले टर्म को, तो पहला टर्म इसका ये है, पहला टर्म इसका ये है, तो दोनों को ऐड करते हैं तो a प्लस सी प्लस ई आएगा, तो a प्लस ए था स्टार को हमने प्लस में कन्वर्ट किया इस नियम के हिसाब से, और c प्लस ई तो हमारा है ही है, कॉमा मारेंगे दूसरे दूसरे टर्म को, सेकंड टर्म को ऐड करो तो डी प्लस एफ आएगा, क्लियर है। थोड़ा ब्रैकेट छोटा लग रहा है, ये आ गया। तो दोनों तरफ नज़र डालिए, ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई सेम है, बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ सेम है, आता है आता है। जब ये बराबर आ गया तो हमारे स्टार क्या है, स्टार सहचर्य है, दिस इज योर क्यूट सा आंसर। तो ये था बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, तो तीन ही क्वेश्चन है आपके बुक में जो दमदार साबित हो रहे हैं इस चैप्टर में, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, तीनों को सॉल्व करिए और इन्हें एक बार अपनी नोटबुक में ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म, आखिरी लेक्चर था, हालांकि और कुछ मिक्स क्वेश्चंस होते हैं लेकिन इजी क्वेश्चंस में से यही हैं और अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आ भी चुके हैं कई बार, तो आगे भी यही आएंगे। तो इस प्रकार मेरे इस चैनल में फर्स्ट चैप्टर हुआ कंप्लीट, अब हम आखिरी चैप्टर पढ़ाएंगे, बीच के चैप्टर सभी हम छोड़ रहे हैं, तो इस चैप्टर के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं आपका प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो उसमें आपके 15 लेक्चर्स होंगे कम से कम, लेक्चर्स धीरे धीरे बन रहे हैं, और अगर आपने ये चैप्टर शुरू से ना देखा हो फर्स्ट चैप्टर, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12th मैथमेटिक्स की, वहाँ से आप पूरा कोर्स देख सकते हैं पहले चैप्टर का। अब आखिरी चैप्टर आगे आएगा, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में यानी प्रोबेबिलिटी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।